नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जी टीवी जनता के बाद। मैं आपके साथ प्रेम शंकर कुमार। इस समय बिहार के सीवर जिला में ससोला पंचायत में पंचायत चुनाव की शुरुआत काफी तेज हो चुकी है। इसके बाद आपके सबसे लगातार जन प्रतिनिधि है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके सबसे वर्तमान मुखिया ससोला पंचायत के वर्तमान मुखिया जनसंपर्क लगातार हो रही है। बहुत बढ़िया है, पूरा विकास करते हैं, सब कुछ करते हैं। और क्या विकास किया है? दोबारा भी चाहिए हमको, किए हैं रंजू देवी, रंजू देवी चाहिए, हाँ रंजू देवी चाहिए हमको, रंजू देवी के लिए काम का काम काम का काम कराया है। उसके अलावा रोड का रास्ते का काम कराया है। जो हमारे जो गरीब गुड़वा है उनको उस रास्ते पर लेकर के आया है। मतलब हमारे समाज में रहने वाले आदमी है, हमारे मतलब पूरे समाज उनको सपोर्ट कर रहा है। हमको अपना पैसा भी खर्चा करके अगर लड़ना होगा तो हमको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आम जनता, उन्होंने बताया जा रहा है कि हमको फिर से रणजीत देवी चाहिए। बस जनसंपर्क करने का मकसद क्या आपका? मकसद यही रहा कि हम लोग को आशीर्वाद चाहिए था, आशीर्वाद भरपूर जनता का मिला जी, और मिलते रहेगा, इतना हमें उम्मीद है कि मिलते भी रहेगा जी। दूसरी बात, जो भी हमसे हो सका पाँच साल के कार्यकाल में, जो हमने 14 नंबर वार्ड में जो है कि छठ पूजा का निर्माण किए पोखर के, और दूसरा मंदिर के, और जो है कि गली नाली सोखता PCC नादी, आपको बतला दें कि बिजली सड़क पानी सब लोग जो है सब चीज़ जो है कि हम लोग करवाए हैं, और आगे भी हम लोग का लक्ष्य है लोगों का जो है जनता मालिक का हम सेवा किए हैं, और फिर आगे भी करते रहे, और जनता मालिक का जो है हमें समर्थन आशीर्वाद भरपूर प्यार भरपूर मिला है, अब मिलते रहेगा। इतना हमें जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कब तक के अभियान चलेगा आपका जनसंपर्क वाला? हमारा जब तक हम लोग को जो आगे से जब तक छूट मिलेगा कि हाँ इतने दिन तक घूमना है, जब तक हम लोग घूमेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जनता मालिक से मिलते रहेंगे। आपने 5 वर्षों में वार्ड नंबर 2 में जो कार्य किया है उसके बारे में हम लोग को बताइए। वार्ड 2 नंबर में जो 16 पंचायत के वार्ड 2 में हमने 150 सोखता बनाया है, लगभग 15 रोड बनाए हैं। उसके बाद जो है से नादी जो है से 125 नादी भी बनाए हैं, और बाढ़ राहत में 2 बार 18 लाख रुपया भेजा गया 2 बार, और मनरेगा से भी बहुत काम हुआ। 2 नंबर में बहुत विकास का काम हुआ है, और पूरे पंचायत में 16 फुट पूरे पंचायत में रंजू जी, सिकंदर जी, हम मुखिया हैं, और हम लोग मिलकर इस पंचायत को के विकास में जो 15 साल नहीं हुआ, 15 साल जो काम हुआ उससे ज़्यादा अब की बार करेंगे। इस 5 साल में काम हुआ। सरसौला पंचायत के मुखिया जो रंजू देवी है, उससे कोई शिकवा किला पंचायतों में? नहीं, हम मेरे समझ से तो कोई शिकवा नहीं है। अब ऐसे अपवाद में अब कोई कुछ कहे, लेकिन हम लोग के सामने में तो कुछ शुरुआत से कार्यकाल कैसा चल रहा है? इनके कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, और जनता का आशीर्वाद, जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा, और पुनः फिर रंजू देवी मिलते होंगे। क्या इस बार उम्मीद है जनता इस बार चाह रही है पुनः? पूरा चाह रही है एकदम, 90% जनता है, 5-10% तो इधर उधर होबे करता है। हर गांव में आपका सौमी गांव को देख लीजिए, यहाँ भी भरपूर है। सरसौला गांव को देख लीजिए, वहाँ भी बिशुनपुर को देख लीजिए, वहाँ भी भगवानपुर वैली, इस 5ों गांव में 90% से ज़्यादा वोट है सौमी, और इतना वोट से जीतेंगे जो जिला में रिकॉर्ड।